एक्शन। ओके, लेट मी टॉक अबाउट द लास्ट नाइट। मैं उस लड़की के साथ डेट पे गया था। सेकेंड डेट मेरे ख्याल से डेट वॉज बीइंग नाइस परफेक्ट। शी वॉज नाइस इंटेलिजेंट। और रेटिंग की बात करो तो रुचित आई विल गिव अ 7 out of 10। हाँ नो नो वेट, 7 इज बेटर। हाँ 7 इज बेटर। सब कुछ ठीक चल रहा था रुचित, बट कहानी में ट्विस्ट आया तब भाई जब अपना बिल आया। वेटर ने टेबल पे बिल ला के रखा नहीं, और ये मैडम महिला मुक्ति पे प्रवचन दिए जा रही थी। बाप रे, ऑफकोर्स यार शी वॉज वेटिंग फॉर मी टू पे द बिल भाई। बट क्यों यार, लॉबस्टर उसने ऑर्डर की है, महंगी वाली वाइन, पता है ना वाइन, हाँ वाइन ऑर्डर की। और तुझे तो पता है हम जब जाते तो बियर का शौक रखते हैं। और कैवियर व्हीट फिश शेक्स मैन, अगर इतना सब होने के बाद अगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मैडम पे करेगी, तो भाई इसमें कुछ गलत है क्या? वैसे तो लड़कियाँ बड़ी बड़ी भाषण देती है भाई, हम किसी से कम नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो भाई प्रूफ भी करो ना। क्यों हर बार हम लड़कों से एक्सपेक्ट किया जाता है रुचित कि हम बिल पे करेंगे? अरे बात पैसों की नहीं यार रुचित, बात अपने प्रिंसिपल्स की है। तेरे भी कुछ उसूल होते हैं तो बस मेरे भी कुछ उसूल होते हैं। छोड़ जान दे, उसको तो रेटिंग में ना 7 कुछ ज़्यादा दे दिया, वो तो 4 के लायक भी नहीं थी यार। छोड़, तो तुझे क्या लगता है थर्ड डेट होगी तेरे भाई की? और हाँ एक बात याद रख कि प्रथमेश हमेशा 9 या 9 से ज़्यादा लड़कियों को घास डालता है।